जब बात होती है फूड डिलीवरी की तो जुबान पे बस दो ही नाम आते हैं, जोमैटो और स्विगी। जोमैटो और स्विगी इंडिया में फूड डिलीवरी में सबसे बड़े प्लेयर्स हैं। स्विगी ने मार्केट में काफी लेट एंट्री ली थी, बट फिर भी उसने बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था। 2018 में जोमैटो का मार्केट शेयर 28% था, जबकि स्विगी का 61%। पर आज जोमैटो का है 55% और स्विगी का है 45% मार्केट शेयर। तो आज हम जानेंगे जोमैटो ने ऐसा क्या किया कि बंपर लिस्टिंग के बाद उसका शेयर गिर गया, उसके बाद भी उसने मल्टी बैगर रिटर्न्स प्रोवाइड किए, कैसे जोमैटो ने इतना ग्रो किया और आगे भी ग्रो कर रहा है। तो चलिए जानते हैं जोमैटो की ग्रोथ के पीछे के रीजन। पहला अगर हम देखें तो जोमैटो को स्विगी के कंपैरिजन में कस्टमर एक्वायर करने के लिए कम कैश बर्न करना पड़ता है, और ये चीज दर्शाता है कि जोमैटो के कस्टमर्स लॉयल है और जोमैटो कम खर्चा करने के बावजूद भी काफी सारे कस्टमर्स ला पा रहा है। जोमैटो का रिलेवेंस हद से ज्यादा तब बढ़ा जब उसने आईपीओ लाया, और आईपीओ लाने के बाद उसके आईपीओ ने बंपर लिस्टिंग करी विच वॉज अबाउट 53% और प्रॉफिट ना होने की वजह से वो 57% टूट गया। बट फिर भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, क्योंकि उसने वहां से भी मल्टी बैगर रिटर्न दिए। तो स्विगी और जोमैटो दोनों भी फूड डिलीवरी सेगमेंट में होने के बावजूद जोमैटो ने ऐसा क्या किया कि वो अभी इस लेवल पे खड़ा है और स्विगी अभी भी कैश बर्न करे जा रहा है। इसका मेन फैक्टर जो शायद से आपके दिमाग में आया नहीं होगा, दैट इज ब्लिंकिट फैक्टर, जिसने क्विक कॉमर्स सेगमेंट का एक काफी बड़ा शेयर कैप्चर करके रखा है। साथ ही जोमैटो का दूसरा बिजनेस ब्लिंकिट जोमैटो से भी बड़ा होने का पोटेंशियल रखता है। तो देखो 2021 में जोमैटो ने अपना आईपीओ लाया और लॉसेस होने की वजह से जोमैटो 57% टूट गया, क्योंकि लॉसेस के कारण और विजन कन्विक्शन ना होने के कारण बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अपने स्टेक बेच रहे थे। तभी कंपनी के फाउंडर दीपेंद्र गोयल ने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। जोमैटो जो खुद एक लॉस मेकिंग कंपनी है, वो दूसरे लॉस मेकिंग कंपनी को एक्वायर करने जा रही थी। ये लगभग 4447 करोड़ की डील थी, जिसमें जोमैटो के 8% शेयर डाइल्यूट होने वाले थे। एंड दिस कंपनी वॉज नन अदर देन ब्लिंकिट। और ये खबर बाहर आते ही इन दो कारणों की वजह से जोमैटो और 19% गिर गया, क्योंकि अभी आपको लगता है ये डील काफी सेंस बनाती है, बट उस टाइम पे ये बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि FY 2021 में जोमैटो के लॉसेस 1018 करोड़ थे और ब्लिंकिट उससे 6 गुना ज्यादा था, विच वाज स्टैंडिंग एट अराउंड 6127 करोड़ रुपीस। तो इसी की वजह से तभी ये डील बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही थी। बट तभी ब्लिंकिट और जोमैटो के फाउंडर दोनों अपने स्टडीज में ये जानते थे कि क्विक कॉमर्स का पोटेंशियल कितना बड़ा है, और ये डिसीजन दोनों तरफ जा सकता है, एक तो आर एक तो पार या फिर नया डूबे। बट आज के दिन ये डिसीजन काफी प्रॉफिट मेकिंग साबित हुआ, क्योंकि देखो जहां जोमैटो का ऑर्डर वैल्यू खाली ईयर ऑन ईयर 28% से बढ़ा है, वहां ब्लिंकिट का 97% से बढ़ा है। और इसी दौरान मार्च में ब्लिंकिट एबिटा पॉजिटिव बन गया, और इसी की वजह से ये डार्क स्टोर एक्सपेंशन में काफी ज्यादा ध्यान दे रहा है काफी एग्रेसिवली, एंड ड्यू टू दिस थोड़े ही टाइम में ब्लिंकिट प्रॉफिटेबल हो जाए। क्योंकि देखो ब्लिंकिट 2023 में जोमैटो के रेवेन्यू में खाली 11% कॉन्ट्रीब्यूट करता था, एंड एज ऑफ 2024 ये लगभग 20% कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो चलिए जानते हैं जोमैटो का ब्लिंकिट अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो अमेज़न जैसे साइट्स को बहुत खतरनाक धोखा है। तो देखो जैसा टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे कस्टमर्स का पेशेंस लेवल काफी कम होता जा रहा है, और इसी वजह से कस्टमर्स को अपने पेमेंट्स और प्रोडक्ट्स फिंगर टिप्स पे चाहिए। और जी हाँ, जहाँ अमेज़न और फ्लिपकार्ट 5 से 6 दिन लगाते हैं अपने प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए, ब्लिंकिट अपने डार्क स्टोर्स की मदद से कुछ मिनटों में ही डिलीवर कर देता है, और वो भी आप कभी भी मंगाओ, चाहे रात के 12 बजे या सुबह। और ब्लिंकिट यहाँ तक ही नहीं रुका, ब्लिंकिट आईफोन से लेकर प्लेस्टेशन 5 तक सब दे रहा है, वो भी कुछ मिनटों में, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज भी शामिल है। एंड विद दैट ये सनग्लासेस, गोल्ड कॉइन और किचन अप्लायंसेस भी डिलीवर करते हैं, जिससे ये अमेज़न और फ्लिपकार्ट से हेड टू हेड टक्कर ले रहा है। तो चलिए जानते हैं जोमैटो ने ऐसे क्या यूनिक स्ट्रेटजीज लगाई कि वो अभी इस पोजीशन पर है। तो देखो 100 बात की 1 बात, जोमैटो इज जस्ट लाइक अंबानी, पहले आदत लगाओ और फिर चार्जेस बढ़ा। जोमैटो ने पहले आदत लगाई फूड डिलीवरी की, और उसके बाद नए चार्जेस जैसे कि प्लेटफॉर्म फी, हैंडलिंग फी और इत्यादि बहुत सारी फीस, इसमें पैकेजिंग फी भी आ जाएगी। तो देखो तुम लोग एक बात समझो, जोमैटो के जो कस्टमर्स है वो यंग पॉपुलेशन, ज्यादा अंकल लोग बाहर से जोमैटो से खाना नहीं मंगाते, मंगाते हैं बट उनका जो काउंट है वो काफी कम है। ऑन अदर हैंड ये सब जो जेंजी है जिनके पास पैसा है, दे आर गोना स्पेंड इट लाइक दिस। एंड जोमैटो ने काफी अच्छे से समझा कि ये लोग प्रेजेंट कहां पे है, सोशल मीडिया। तो इन्होंने सोशल मीडिया मार्केटिंग ऐसे करी, इन्होंने अपने बिलबोर्ड्स ऐसे बनाए, ऐसे जगह पे प्लेस करे और ऐसे कॉन्टेक्स्ट में कि कोई उन्हें भूल ना पाए। और जोमैटो के नोटिफिकेशन इतने ज्यादा पर्सनलाइज लगता है कि मम्मी ने ही लिखे हो, जस्ट लाइक खाना कभी कभी घर पे भी बना लेना चाहिए। इनके मार्केटिंग टीम को तो सैल्यूट है। आफ्टर दैट जोमैटो ने इंट्रोड्यूस करा जोमैटो गोल्ड। जोमैटो गोल्ड जोमैटो की ऐसी मेंबरशिप है जिसे लेके आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलते हैं और आपको कभी कभी डिलीवरी चार्जेस भी फ्री हो जाते हैं। ये सिर्फ एक मेंबरशिप नहीं है, आप जरा ध्यान से सोचो, इसके मदद से जोमैटो जो अपने प्रीमियम कस्टमर्स है उनको रिटेन करके रखता है और उनको अपने लॉयल कस्टमर बेस में कन्वर्ट करता है। बिकॉज जो इनके प्रीमियम कस्टमर्स होंगे उनके पास पैसा भी ज्यादा होगा, ड्यू टू दैट वो खाने पे काफी ज्यादा खर्चा करेंगे, उनकी ऑर्डर वैल्यू काफी बड़ी होगी और वो महंगा महंगा खाना ऑर्डर करेंगे, जिससे कि जोमैटो को एक अच्छा खासा कट भी मिलेगा। हाँ मतलब जोमैटो अपनी फीस अच्छी खासी कमा लेता है। आफ्टर दैट जोमैटो लेके आया अपना हाइपर प्योर, मतलब क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल अच्छा होगा क्योंकि वो जोमैटो प्रोवाइड करता है। मतलब देखो जोमैटो हाइपर प्योर इनकी एक ऐसी
सर्विस है जिसमें जोमेटो सप्लाई चेन मैनेज करता है फॉर देयर रेस्टोरेंट, मतलब रेस्टोरेंट्स को जो रॉ मटेरियल लगता है वो जोमेटो प्रोवाइड करता है और वैसे ही बीच में अपना मार्जिन रख लेता है। एंड आपने ये ज्यादा सुना नहीं होगा क्योंकि जोमेटो हाइपर प्योर ओनली कॉन्ट्रीब्यूट्स अबाउट 5-8% इन जोमेटोज रेवेन्यू, बट ये हाइपर प्योर का सेगमेंट धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ये सब तो हो गई जोमेटो की बातें, पर चलिए जानते हैं जोमेटो का स्टॉक ऐसा क्यों गिरा कि उसका बंपर ही टूट गया। पहली बात तो ये कि जोमेटो काफी हाई वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लाया था, विच वॉज अराउंड 1 लाख करोड़। और 2023 में हुआ ये कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने टेक स्टॉक्स को रीवैल्यूएट करना शुरू किया, तो उसके वजह से एक ऐसा माहौल बन गया तो इन्वेस्टर्स वर जस्ट लाइक जिन स्टॉक्स में प्रॉफिटेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी दिखे उनमें पैसा डाल दो। और उसी की वजह से जोमेटो जैसे हाई पोटेंशियल बट लॉस मेकिंग स्टॉक्स ने नीचे की रैली शुरू कर दी और जोमेटो भी अपने लॉसेस कम करने का नाम नहीं ले रहा था, जिससे इन्वेस्टर्स ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे कि ये कंपनी कब तक प्रॉफिटेबल हो सकेगी। एंड उसी के दौरान जोमेटो का लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा था जिसके वजह से जोमेटो के स्टॉक पे सेलिंग प्रेशर काफी बढ़ रहा था और उसे होना क्या था, बंपर लिस्टिंग वाले आईपीओ का बंपर ही टूट गया। पर चलिए जानते हैं जो जोमेटो इतना नीचे गिरा था वो फिर से 250 रुपए के आसपास कैसे आ गया। तो इतना सब सहने के बाद जोमेटो ने अपने ऑपरेशंस ऑप्टिमाइज करना शुरू करे और मार्केटिंग एक्सपेंस भी कम कर दिया और इसके साथ इन्होंने न्यू डिलीवरी चार्जेस इंट्रोड्यूस करे और उसके साथ इनका अदर इनकम तो था ही। और भले ही ब्लिंकिट ने अभी तक जोमेटो को पैसा कमा के नहीं दिया बट आने वाले फ्यूचर में ये कमा के दे सकता है, क्योंकि तुम लोग एक बात समझो, जिस फ्रीक्वेंसी पे ब्लिंकिट ऑपरेट कर रहा है न जाने वो कितने कस्टमर्स का डेटा जनरेट कर रहा होगा। और आने वाले टाइम में आप ये सुन के शॉक मत हो जाना कि ये वो डेटा लेके कौन से एरिया में से क्या ऑर्डर आएगा ये प्रेडिक्ट कर सकेंगे। डोंट बी शॉक अगर कुछ दिनों या कुछ सालों बाद आपने ये सुन लिया। और आपको तो ये पता ही है कि अभी के टाइम में जिसके पास डेटा है वो किंग है। और अगर हम जोमेटो के फाइनेंशियल्स पे नजर डालते हैं और उसको स्विगी से कंपेयर करते हैं तो एज ऑफ FY 2024 अगर हम रेवेन्यू देखें तो स्विगी स्टैंड्स एट 11,247 करोड़ जबकि जोमेटो इज एट 12,214 करोड़। नेट प्रॉफिट देखे तो स्विगी का है -2,350 करोड़, जहां जोमेटो ने 351 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू देखे तो स्विगी की है 24,700 और जोमेटो की है 32,224 रुपीज एंड एवरेज ऑर्डर वैल्यू फॉर बोथ स्टैंड्स एट 428 रुपीज। और रेस्टोरेंट पार्टनर्स देखे तो स्विगी के है 1,96,000 जहां की जोमेटो के है 2,47,000। स्विगी की प्रेजेंस 653 सिटीज में जहां की जोमेटो की प्रेजेंस 700+ सिटीज में। बट द मेन थिंग अगर हम इनका ईपीएस देखें तो स्विगी का ईपीएस है -8.6 रुपीज जहां की जोमेटो का है 0.41 रुपीज। तो इफ यू डिराइव अ कंक्लूजन और आपको जो जोमेटो प्रॉफिटेबल दिख रहा है वो आपको किसी ने बताया नहीं कि वो उसकी अदर इनकम की वजह से आया एंड नॉट मेनली बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल प्रॉफिट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज कि जोमेटो का पीक काफी ज्यादा है, इससे ये इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड सेक्शन में और अभी जिस प्राइस पे ये खड़ा है वो प्राइस के लिए काफी ज्यादा। एंड आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज बता दूं, रेस्टोरेंट जोमेटो को पे करते ताकि वो उनके लिस्ट में ऊपर नजर आए, उससे उनको ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे, वो ज्यादा कमाई कर पाएंगे और इनडायरेक्टली जोमेटो को ही फायदा हो। तो इस वीडियो को देख के आप सीधा किसी स्टॉक को खरीदने मत चले जाओ, पहले अपना और रिसर्च करो, अपना डिसीजन बनाओ और फिर जो आउटकम आता है उसे फॉलो करो। दिस वीडियो वाज जस्ट फॉर योर एजुकेशनल पर्पस और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है भाई। और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जिन्होंने जोमेटो काफी हाई पे बाय किया था और नीचे सेल कर दिया और अभी रो रहे कि भाई ये तो डबल हो गया। और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आपको अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। और अपडेटेड रहने के लिए हमारे बाकी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए सब्सक्राइब तो करके जाओ।